हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा धमाका एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी मार्केट में आ गई है। और आपको ध्यान देना है कि जितने भी 12 पास स्टूडेंट हैं और जो इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरा सीएचएसएल में हो जाए। सच्चाई बताऊं तो अगर आपका चारों सब्जेक्ट यानी मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके में अगर एवरेज पकड़ है या बना सकते हो, तो ये एग्ज़ाम आपका इंतजार कर रहा है। आप जम करके 2 से 3 महीना, लगभग 90 डेज एग्जाम का है, आप तैयारी करो। पीटी का मेंस, मेंस में भी लगभग सब्जेक्ट वही रहेगा। जो पीटी में पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, और पीटी और मेंस यानी पीटी मेंस को कह लें हम लोग Tier 1 और Tier 2, तो इन दोनों के लिए कैसे पहले हम लोग देखें कि ऑल अबाउट CHSL, हाउ टू प्लान टू क्रैक CHSL, कैसे प्लान करें कि हम क्रैक कर लें, या फॉर्म फिलिंग, उसका लास्ट डेट, इन सारी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग देखें सबसे पहले कि SSC CHSL नोटिफिकेशन 2023 इम्पॉर्टेंट डेट्स। जी हाँ, SSC हैज रिलीज द SSC CHSL 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्जाम डेट and other important dates along with the official SSC CHSL notification 2023. तो देखिए पहले important dates कौन कौन सा है ये SSC CHSL 2023 के लिए। तो सबसे पहले देखें release of SSC CHSL notification 2023, तो कब release हुआ, 9th May को, यानी कल। और SSC CHSL अप्लाई ऑनलाइन 2023 स्टार्ट हो गया, ये भी 9th मई से यानी कल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट भी दिया है 8 जून, तो लगभग 30 डेज ये 9th मई से लेकर 8 जून तक, और इस बीच में। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना हो तो स्टार्ट में ही फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और कई दिनों तक आप बिजी भी रहते हो और फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, इसलिए व्हाई नॉट इन स्टार्ट। तो देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है ही, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का लास्ट डेट सब ये तो दिया हुआ है, तो ये आप कर लेंगे। इसमें देखें हम लोग कि फी, स्टूडेंट्स जितने भी जनरल है, ओबीसी है, इन सबों को, जितने भी बॉयज हैं, बॉयज को फी लग रहा है। अगस्त तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा लगना ही नहीं, वो लोग को फ्री फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यानी ये आपका डेट्स बताला, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चलान, डेट ऑफ विंडो। तो उसके बाद शेड्यूल ऑफ टायर वन अगस्त, देखो ये एग्ज़ाम का दे रहा है क्या, अगस्त 2023, और टायर टू का जो है टू बी नोटिफाइड लेटर, इसका अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग आगे देखें CHSL टायर वन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें तो हम लोग पहले ही जान गए कि टायर वन और टायर टू दो फेज में एग्जाम्स होगा। पहला फेज में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ फिजिकल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, हम दौड़ नहीं पाए, हम कूद नहीं पाए, मेरा हाइट नहीं हुआ, मेरा हल्का नॉमिनल मेडिकल तो होता है, बाकी फिजिकल का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो क्या देखें, देर इज ए निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है फॉर ईच इन करेक्ट आंसर, यानी 0.5 टोटल क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा वो पहले देख लो। तो ये देखें, देयर विल बी 4 सब्जेक्ट विथ 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो देखें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट सेट यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल इसमें 25 क्वेश्चन 50, इंग्लिश भी 25 50, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और टोटल नंबर मार्क्स इसमें 200 है। 60 मिनट मिलेगा इसके लिए,
यानी एक घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपनी तैयारी को करें, कि इतने समय में प्लानिंग कैसे करें कि इंग्लिश भी बन जाए, जीए भी बन जाए, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा टाइम लेता है, तो आप मैनेज कैसे करोगे। इसके लिए शुरू से आप प्रैक्टिस भी करते रहना, और अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया है, तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो तैयारी भी शुरू कर दो, साथ साथ सेट भी बनाना स्टार्ट करो कि यह तो पता रहे कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं। ठीक है, अगला, तो ये टायर वन का प्लानिंग था। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का निगेटिव करोगे, 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, अगला है, इसके लिए एज लिमिट, तो वो 27 वर्ष तक, 18 से 27 तो है ही। द एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 to 27। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/96 एंड नॉट लेटर 1/8/2005, यानी 2/8/96 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप इस कैटेगरी में आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, अब देखें कि एससी एसटी वाले को 5 इयर्स का, देखो परमिसेबल एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, 5 साल का इनको एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर, यानी 27 अगर है तो 30 साल तक ओबीसी और 32 साल तक 27 + 32 एससी एसटी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों को प्लान करना है। क्या मैंने बताया, पहली बात स्टार्ट में ही फॉर्म फिल करना है, 1 से 2 दिन में कोशिश कीजिए कि आपका फॉर्म फिल हो जाए। दूसरी बात, क्या मैंने बताया, एज लिमिट्स इसको देख लेंगे। फी वगैरह के लिए मैंने बताया कि 100 रुपीज बॉयज़ को लगेगा, गर्ल्स को नहीं लग रहा है। इसके बाद ये बाकी एक सर्विस मैन वगैरह के लिए है। SSC CHSL टायर वन का सिलेबस देखें, इंग्लिश लैंग्वेज, तो 4 सब्जेक्ट जो है जिसमें मैंने बताया इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, मैथ्स भी है, तो इंग्लिश में स्पॉट दे रहा, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, तो जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेजेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और कन्वर्जन इंटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफरिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो ये था आपका इंग्लिश का, यानी ऑलमोस्ट जो आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लगभग वो सब है, तो ढंग से इसको देखेंगे। दूसरा क्या है, रीजनिंग का ऐसे ही सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस देख लेंगे। क्वांट सेक्शन भी है, क्वांट्स मैथ्स का क्या सेक्शन है, तो देखें नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, तो नंबर सिस्टम में सारा चीज आ जाएगा आपका, बेसिक का जो है नंबर सिस्टम में, इसके साथ ही साथ स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, ये सब चीज तो रहेगा ही। नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिवाइजर से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो या अरेंजमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब आपको नंबर सिस्टम में देखना होगा। SCF, LCM भी नंबर सिस्टम में देखेंगे। इसके बाद एज चैप्टर, इसको देखना है, एवरेज देखना है, रेशियो देखना है, रेशियो के बाद आपका पार्टनरशिप, एलिगेशन, ये सब तो एक पार्ट में ही हो जाता है, देखो तो रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन मिला के पढ़ेंगे आसान होगा, रेश और एज और एवरेज मिला के पढ़ेंगे तो ये एक पार्ट ये हो जाएगा, यानी पहला नंबर सिस्टम अगर हो रहा है तो दूसरा आपका एज एवरेज हो जाएगा, और थर्ड जो है आपका जो रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन, ये तीनों मिला करके, और कुछ चूजी बनना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, ये जो जो लोग भी ट्रिक्स, बहुत सारा ट्रिक्स एक चैप्टर में, इतना सारा ट्रिक्स, उससे बचना होगा, बेसिक से लेकर के हम लोग हल्का ट्रिक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन देखने के साथ सॉल्व हो जाए। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI डिस्काउंट, ये एक पार्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम एक पार्ट हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, स्ट्रीम, ये एक पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको, अब देखिए एडवांस मैथ्स की ओर अगर हम जाते हैं तो मेंसुरेशन पढ़ना होगा, 2D और 3D दोनों, उसके बाद हमारा
अलजेब्रा का पोर्शन होगा, ज्योमेट्री का पोर्शन है, ट्रिगो का पोर्शन है, और स्टैटिस्टिक्स या और डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग फिगर से, जैसे हो सकता है पाई ग्राफ से 1 क्वेश्चन, आपका बार डायग्राम से 1 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ से 1 क्वेश्चन, टेबुलेशन से हो सकता है। तो ये 4 पार्ट में से किसी न किसी एक एक क्वेश्चन करके देता है। बैंकिंग में एक साथ 4-5 का सेट देता है, लेकिन यहाँ अधिकतर चांसेस ये रहता है कि अलग अलग फिगर अलग अलग क्वेश्चन। तो देखें, ये ज्योमेट्री था, ये मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिकल चार्ट, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पोलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ऐसे ही ये टीयर 2 का है। टीयर 2 का प्लानिंग है, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 30, 30 और 30, 60। लेकिन यहाँ पीटी में क्या, मतलब टायर 1 में क्या था, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यहाँ 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो 60 × 3 180 का आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गया। इंग्लिश जीए, इंग्लिश में 40 है, जीए यहाँ कम कर दिया गया, 20 क्वेश्चन है मात्र। तो इसमें एक करंट का मेजर पार्ट रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी देखेंगे, थोड़ा पोर्शन साइंस रहेगा। अब सोचिए कि बहुत कम टच करके 20 क्वेश्चन पे जाना है, तो ये ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज यानी 15 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो यहाँ स्कोर नहीं करना है क्योंकि इसमें ये क्वालिफाइंग है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले देखें, ये 3 सेक्शन, मैथ्स, इंग्लिश और मतलब ये 4 पार्ट प्लस कंप्यूटर, टोटल आवर्स हो गया 2 आवर्स 15 मिनट्स। पहले वाले के लिए 1 घंटा में 60 क्वेश्चन मैथ्स का बनाना है और रीजनिंग का मिलाकर, मैथ्स और रीजनिंग 60 क्वेश्चन है, 1 घंटा है टाइम और 180 मार्क्स है। 180 मार्क्स ये भी है, 60 क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन जब आप पहले पार्ट को क्लियर कर लोगे ना, तब आप सेकेंड पार्ट में जाओगे, ठीक है। तो पहले ये ऐसा नहीं कि इसमें का टाइम बचा के इसमें या इसका टाइम बचा के उसमें, ये नहीं, ये अलग है। उसके बाद इसमें जब वो सबमिट करोगे फिर ये, तो 180, उसके बाद कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, 15 या 45, इसमें क्वालिफाई तो करना ही होगा, और यानी 5 प्लस अगर ले आते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे। और ये लास्ट आवर में अगर मैं 200-300 क्वेश्चन आपसे अलग से करा दूं तो एग्जाम में क्वेश्चंस उसी से रहेगा। वैसे उसके बाद आपका सेम डे, अब तो ये जो है ना टायर 2 का एग्जाम सेम डे में होता है, तो सेम डे में आपका ये स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सारा चीज होगा, यानी मैथ्स एबिलिटी, रीजनिंग प्लस इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सारा आपको करना होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने अभी से तक तैयारी शुरू नहीं किया, 12वीं पास कर गए हो तो जरूर भरो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है, और इसके बाद इसके नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, या यहाँ पे मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो लग जाओ एकदम, इस बार जॉब लेना है, और जॉब तो मिलेगा ही, आपके बेड के सामने सटा हुआ होना चाहिए, एक कार्डबोर्ड पे लिख लो, जॉब तो इसी साल लेना है और जॉब मिलेगा ही। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, तो आपका जॉब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। थैंक यू।